गजनी से करीब 100 साल पहले काबुल में लल्लिया नाम के एक ब्राह्मण मंत्री ने अपनी राजशाही स्थापित की थी, जिसे इतिहासकार हिंदू शाही कहते हैं। उसने कश्मीर के हिंदू राजाओं के साथ गहरे राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध कायम किए थे। गजनी ने जब उत्तर भारत पर हमला करने की ठानी तो उसका पहला निशाना यही साम्राज्य बना। उस समय काबुल का राजा था जयपाल। जयपाल ने कश्मीर के राजा से मदद मांगी। मदद मिली भी, लेकिन वो गजनी के हाथों पराजित हुआ। ऐतिहासिक कहानियों के अनुसार गखर लोगों के आक्रमण और समर के बाद महमूद की सेना भागने को थी। तभी आनंदपाल के हाथी मतवाले हो गए और युद्ध का रुख पलट गया। लगातार पराजयों से शुभ्ध होकर इसने अपने पुत्र आनंदपाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया और आग में जलकर आत्महत्या कर ली। जयपाल की मृत्यु होने के बाद भी जयपाल के बेटे आनंदपाल और पोते त्रिलोचनपाल ने गजनी के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। त्रिलोचनपाल को तत्कालीन कश्मीर के राजा संग्राम राज, जो कि 1003 से 1028 तक थे, उनसे मदद भी मिली, लेकिन वो अपना साम्राज्य बचा न सका। 12वीं सदी में राजतरंगिणी के नाम से कश्मीर का प्रसिद्ध इतिहास लिखने वाले कल्हण ने इस महान साम्राज्य के पतन पर बहुत दुख जताया है। गजनी ने इसके बाद आज के हिमाचल का हिस्सा यानी कांगड़ा भी जीत लिया, लेकिन कश्मीर का स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य उसकी आंख का कांटा बना रहा। 1015 में उसने पहली बार तोसा मैदान दर्रे के रास्ते कश्मीर पर हमला किया, लेकिन दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति और कश्मीरियों के जबरदस्त प्रतिरोध की वजह से उसे बहुत अपमान के साथ वापस लौटना पड़ा। ये भारत में किसी युद्ध में उसके पीछे हटने का पहला मौका था। वापसी में उसकी सेना रास्ता भी भटक गई और घाटी में आए बाढ़ में फंस गई। अपमान के साथ साथ गजनी का नुकसान भी बहुत हुआ। 6 साल बाद 1021 में अपने खोए हुए सम्मान को अर्जित करने के लिए गजनी ने फिर से उसी रास्ते से कश्मीर पर हमला किया। लगातार 1 महीने तक उसने जबरदस्त प्रयास किया, लेकिन लौहकोट की किलाबंदी को भेद ना सका। घाटी में बर्फबारी शुरू होने वाली थी और गजनी को लग गया कि इस बार उसकी सेना का हाल पिछली बार से भी बुरा होने वाला है। वो कश्मीर की अजेय स्थिति को भांप चुका था। दोबारा अपमान का घूंट पीते हुए उसे फिर से वापस लौटना पड़ा। इसके बाद उसने कश्मीर के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। कश्मीर की दुरूह भौगोलिक स्थिति की वजह से वहाँ किसी तरह का बाहरी घुसपैठ आसान नहीं था। इसके अलावा कश्मीर के राजा भी अपनी सीमाओं को पूरी तरह बंद रखते थे और बाहरी संपर्क को हतोत्साहित करते थे।